हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के युवाओं के हित में कई बड़े फैसले लेते रहती है ताकि प्रदेश के युवा अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से सुपर 100 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कोचिंग लेने वाले 101 छात्रों ने जी एडवांस 2022 परीक्षा पास की है, जिसमें से 41 छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर परीक्षा उत्तीर्ण की है। रिपोर्ट देखें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेरणा से शुरू किया गया सुपर 100 कार्यक्रम न केवल होनहार छात्रों को अपने सपनों को हासिल करने में मदद कर रहा है, बल्कि उनके जैसे योग्य छात्रों में आशा की किरण भी जगी कि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जी एडवांस 2022 के रविवार को जारी हुए परिणाम में हरियाणा सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के 41 छात्रों ने सफलता हासिल की। ये छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब IIT जैसे संस्थानों में अपना भविष्य गढ़ेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम ने साबित कर दिखाया है कि अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार छात्रों को सही गाइडेंस मिले तो वे बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस सुपर 100 कार्यक्रम के तहत कोचिंग लेने वाले 101 छात्रों ने जी एडवांस 2022 की परीक्षा दी, जिसमें प्रदेश के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये साबित कर दिया है कि सुपर 100 कार्यक्रम से प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच से प्रदेश निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थियों के लिए सुपर 100 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मेधावी विद्यार्थियों का कैरियर बनाने के लिए शिक्षा विभाग का सुपर 100 कार्यक्रम का एक अनूठा प्रयास। इसके तहत IIT व NEET की कोचिंग दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।